मोलतोल इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुबह 8 बजे के हमारे 5 मिनट में सभी बड़ी खबर न्यूज बुलेटिन में आज हम चर्चा करेंगे गंवार सीड और चने में अगली संभावना पर। चने पर हम राय लेंगे इंदौर से स्वतंत्र विश्लेषक मनोज कुमार जैन से, जबकि गंवार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं गोलूवाला राजस्थान से किसान सुशील शर्मा। मनोज जी, नए सप्ताह में कौन सी कमोडिटी अर्निंग के हिसाब से सेफ एवं अच्छी कमोडिटी साबित हो सकती है? नमस्कार कमल जी, गत सप्ताह में हमने ओवरऑल कमोडिटी मार्केट में, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटी हो या नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटी, जो भारी उठापटक का माहौल था और रुपी में भी काफी वॉलेटिलिटी थी, उसकी वजह से भी यहाँ पे भारी गड़बड़ जो है देखने को मिली है। लेकिन मेरा मानना है कि अगले सप्ताह में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में चना जो है वो एक अच्छी कमोडिटी जो है ट्रेडिंग के लिहाज से साबित हो सकती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो नया सप्ताह शुरू होने वाला है सोमवार से, तो वहाँ चने के ऊपर जो है निगाह जो है रखनी चाहिए। मनोज जी, आपने पिछले वीक चने में ऊपरी टारगेट 4,250 बताया था और वीकेंड में वह टारगेट पूरा हुआ, चने में अब किस तरह के मूवमेंट दिखाई देते हैं? चने में कोई रणनीति बनानी है तो अगर यहाँ वर्तमान स्तरों से अगर थोड़ी सी करेक्शन आती है कीमतों में, तो 4,140 से 4,170 के दायरे में अगर कीमतें मिलती है तो वहाँ फिर से जो है फ्रेश खरीदारी की रणनीति बनाई जा सकती है। 4,040 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे एक स्ट्रांग जो है सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं, तो 4,040 के नीचे का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 4,250 के ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में यहाँ पे कीमतें एक बार 4,400 तक के भी स्तर दिखा सकती है। सुशील जी, आपका स्वागत है। गंवार में डिमांड सप्लाई कैसी दिखती है इन दिनों? कमल जी नमस्कार। गंवार की सप्लाई कमजोर है फिलहाल तो, दरअसल लॉकडाउन के कारण ये मंडियां बंद है, तो इसके कारण ग्वार तो नहीं आ रहा, लेकिन अंदर का जो पेट सोते हैं वो ग्वार के खूब हो रहे हैं जी। तो अनुमान है भी करीब करीब प्रतिदिन ये लॉकडाउन से लेकर आज तक ये कम से कम 10 लाख बोरी अंदर के सोते हो चुके हैं। गंवार सीड में प्राइस बढ़े हैं, क्या संभावना दिख रही है आपको? कमल जी, मेरे को 3600 से ऊपर तेजी नहीं लगती ग्वार के अंदर फिलहाल इस टाइम, क्योंकि जो ये फॉरेन के अंदर जो कुएं हैं उसके भी रिव्यूज लगातार कम होते जा रही हैं। जो 800 के करीब थे वो अब 444 के करीब रह गए हैं जी। तो मेरे को नहीं लगता भी अभी ज्यादा तेजी है। दूसरा क्या है, मौसम भी आने वाला है, मानसून भी आने वाला है, तो इसको देखते हुए ज्यादा तेजी भी नहीं लगती एक बार। कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन की वजह से शेयर बाजार की भी इस साल जमकर पिटाई हुई है। अगर हम बात करें 5 प्रमुख शेयरों की जो इन्वेस्टरों के लिए हॉट शेयर माने जाते थे, जिनमें कमाई फिक्स थी, उनकी जो पिटाई हुई है उस पर हम नज़र डालें तो इंडसइंड बैंक, ONGC, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज़्यादा पिटने वाले लार्ज कैप शेयर रहे। इंडसइंड बैंक अब 382 रुपये के आसपास चल रहा है, जबकि 52 वीक में यह 1834 रुपये तक बिका था। बजाज फाइनेंस करंट प्राइस 1976 रुपये के आसपास है, जबकि इसका 52 वीक हाई 4923 रुपये के करीब था। ONGC की बात की जाए तो ONGC का शेयर केवल 67 रुपये चल रहा है, जबकि 52 वीक का हाई इसका भाव था 178 रुपये। एक्सिस बैंक को हम देखें तो एक्सिस बैंक का शेयर 403 रुपये के करीब चल रहा है और 52 वीक में इसका उच्चतम प्राइस बना था 827 रुपये। सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो करंट प्राइस करीबन 180 रुपये चल रहा है और 52 वीक में इसका हाई प्राइस था 374 रुपये।